अस्सलाम वालेकुम मंसूर डायरीज़ के साथ। अब हम आज एक और व्लॉग आपके सामने लेके आए हैं, तंदूरी चाय। और ये इसकी लोकेशन है, ये देखें, टोक बटिया स्टाफ, तहसील जिला रावलपिंडी। तो आइए हम देखते हैं, अंदर जाते हैं। अब ये बताएं, तंदूरी चाय के अलावा आपके पास कौन सी और वैरायटी चाय की अवेलेबल है? आप कर लेते हैं जी सर, हमारे पास 24 किस्म की चाय है। 24 किस्म की चाय, 24 किस्म की चाय, उसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। बादाम टी है, पिस्ता टी है, गोल्डन टी है, गुड़ टी है, ग्रीन टी है, लेमन ग्रास है, और कश्मीरी ड्राई फ्रूट है, तंदूरी चाय, एप्पल टी है, ऑरेंज टी है, और जो ना कॉफ़ी है। ये हर वक्त अवेलेबल होती है आपके पास, जो ऑर्डर को करे वो आप दे सकते हैं। कॉफ़ी भी है, ग्रीन हनी टी है, चॉकलेट टी है, और ज़ाफरान टी है, अनार टी। वैरायटी है जी, माशाल्लाह जी। आप ये चाय सारी आप बनाते हैं? जी सर। अच्छा, और कब से आप ये तकरीबन ये कर रहे हैं आप लोग? तकरीबन 8-9 साल हो गए, ये काम, 8-9 चाय का काम कर रहे हैं। पहले का आपका होटल था या क्या? यही डायरेक्ट यही बिजनेस है? अडयाला रोड पे, लेकिन आपने तरक्की की। लेकिन ये तंदूरी चाय यहाँ पे नहीं है, इससे पहले उधर भी चाय का नाम है हमारा। अच्छा, इंशाल्लाह। और यहाँ पे भी इंशाल्लाह जूस लाइन सिटी का नाम चलेगा, चल रहे हैं। और जो क्वालिटी जो इन्होंने ये दिखा रहे हैं अपने इस पे पेनाफ्लेक्स पे जो आपको नज़र आता है इधर, वैसे ही इधर है, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह। ये इनका सेटअप है, यहाँ पर ये तंदूरी चाय बनाई जाती है। ये हमारे कुछ दोस्त पी भी रहे हैं, पहले देखते हैं बनाते कैसे हैं, फिर जो पी रहे हैं। ये चल रही है जी आपकी मटका चाय, तंदूरी चाय या मटका चाय? तंदूरी। तो मटका चाय और तंदूरी चाय में क्या फ़र्क है? मटका चाय वो मटके में बनाई जाती है, ये तंदूरी। अच्छा, ये तंदूरी चाय है जी। गाइस ये तो तंदूरी चाय है, देखें किस तरह। ये बताएंगे काइंडली ये क्या प्रोसेस है आपका, क्या करते हैं आप? अब ये सारे बर्तन पहले जो आग में सारे गर्म हुए होते हैं, गरम करते हैं पहले सारे गरम। अभी आपको सुन, ये सारे गरम हो गए, ठीक है। अगर हल्की आंच पे वो चाय पकाई जाती है, उसकी कोई ना रेसिपी है वो डाली जाती है। ये अभी क्या कर रहे हैं, हल्की आंच पे चाय पका रहे हैं जी? हल्की आंच पे चाय पक रही है, जैसे आधी समझ लें आप, आधी उस पर पकेगी, बाद में ये सारा बिल्कुल आग बना होगा ना, उसमें जब वो चाय डालेंगे इसको मिट्टी का जायका जो है ना इसमें आता है। अच्छा, ठीक हो गया जी। मटके इसीलिए आप जी, इसी हमने जो आपको चाय ऑर्डर की है वो आपने इसमें रख दिए? बिल्कुल रख दिए आपके सारे जो रखा। तो ये जो आपका जो वो क्या कहते हैं बर्तन है, ये आप अभी इसको डायरेक्ट आप टच नहीं कर सकते, उतना गर्म हो जाता है। हाँ, वो नीचे वाला वो तो जो है ना चिमटे के साथ जो ना किसी चोटे के साथ पकड़ेंगे, चिमटे के साथ, चिमटे के साथ डायरेक्ट कर नहीं सकते, डायरेक्ट उसको नहीं पकड़ सकते। ये देखिए, और ये कितनी देर आप इनको ये गर्म करते हैं बर्तनों को? ये तो लगा ही रहता है जो है ना, शाम को ऑन कर देते हैं जो है ना, ये सारा दिन इसमें आग लगी रहती है। हल्की हल्की आँच पे जो है ना ये सारा दिन चूल्हा जो है हो जाएगी आप, ठीक है। बिल्कुल, अब ये इसमें आधी चाय इधर तैयार करते हैं जी, बाकी आधी इधर होगी जी, और आधी आप इस पे करेंगे। बैठते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। वो देखो कैसे आग बना हुआ है। अच्छा, अब ऐसे देखते हैं फ्रंट से, फ्रंट में ऊपर से जो नजर नहीं आ रहा है, इधर से देखते हैं भी। इसमें अब चीनी वगैरह कैसे कितनी आप रखते हैं इसमें, जायका या नहीं? ज़्यादा वो अक्सर तो इसमें जायका ही होती है जो ना।
लिया अब गर्म बर्तन जो सा नीचे तंदूर में है उसे निकाल के ये इसके साथ ही इन्होंने ताकि उसका असर उसके अंदर चाय में ट्रांसफर हो जाए। ये आप कब से कर रहे हैं चला रहे हैं? तीन चार महीने पहले ओपन किए। अच्छा, तो क्या लोग आवाम का क्या रिस्पांस है इसमें? बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये तो मैं तफाकर ही देखा है मैंने, तो मैं रुका हूँ देखा है। अभी हमारे पास इधर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हमारे दोस्त हैं, वो डेली इधर आते हैं जो है। अच्छा, चक्री से अडियाला रोड से जो भी एक बार तो के जाते हैं इस एरिया में जो इससे पहले चाय वगैरह नहीं मिलती। अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी बिजी रोड है ये। गाइस ये लग रहा है काफ़ी यूनिक किस्म की चाय होगी। तो एक कप चाय के लिए कितने बर्तन ये गर्म बर्तन यूज होते हैं? तीन कप सात कप ठीक चार कप नहीं हमारे चार हमारी चार कप चाय है। और ये प्राइस जरा बता दें इनकी ताकि वो भी लोगों तक पहुंच जाए क्या सीन है इसका। पहले 150 की थी, अभी हम 100 रुपये में दे रहे हैं। 100 रुपये में जी। 100 रुपये का एक कप यानी कि जी। लेकिन मेहनत भी आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा है उसमें। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये बादाम पिस्ता अखरोट। अच्छा, बादाम पिस्ता और अखरोट। ये बन गई सर आपकी तंदूरी चाय। अच्छा माशाल्लाह जी, पिएंगे इंशाल्लाह आप नेक्स्ट फिर आएंगे हमारे पास। जरूर आएंगे जी, माशाल्लाह जी। जी आज का हमारा व्लॉग था ये, इसके ऑनर आपके क्या नाम है सर? साकिब। साकिब साहब इसको रन कर रहे हैं। और इसके रोड का क्या नाम है इसको? चकबेली रोड। चकबेली रोड जो रवाद टूवर्ड्स रवाद जा रहा है, तो उस पर जब भी आप लोग आएँ आप ज़रूर इसको ना वो यहाँ से लाजमी टेस्ट करें। चाय के शौकीन हजरात मुझे यकीन है कि मैं खुद शौक़ रखता हूँ चाय पीने का, मैं ज़रूर रखूँ। और हमारी इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।